राजस्थान के अंदर अभी प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है और इसी अभियान के दौरान आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वह कोटा टोंक बूंदी के दौरे पर रहेंगे। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि वह पंच सरपंच और सभी अधिकारियों से मिलते हुए भी नजर आएंगे और आखिरकार वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है, किस किस चीजों की इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज्यादा जरूरत बताई जा रही है, इसी को लेकर के यह सब अब नजर आएंगे बातचीत करते हुए और इन समस्याओं का समाधान करते हुए भी नजर आएंगे। आखिरकार इसको लेकर के अभी क्या कुछ नई अपडेट सामने आई है, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविरों का जायजा लेने कोटा बूंदी और टोंक जिलों के दौरे पर रहेंगे। 18 नवंबर को धौलपुर करौली भरतपुर और दौसा जिलों के दौरे का कार्यक्रम तय किया गया है। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इन दो दिनों के अंदर 7 जिलों के गाँव में प्रशासन की ओर से अभियान के तहत ग्रामीणों के लिए की गई व्यवस्थाओं को भी देखेंगे। गाँव के लोगों और पंच सरपंच प्रधान क्षेत्रीय विधायक से बड़ी समस्याओं को भी जानेंगे। उनके समाधान के लिए जिला कलेक्टर डिवीजनल कमिश्नर और अलग अलग संबंधित विभागों के अधिकारियों से अब तक हुए एक्शन और प्रोग्रेस की जानकारी भी ली जाएगी। वहीं गहलोत और डोटासरा आज सुबह 10 बजे से जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कोटा रवाना होंगे तो सुबह 11 बजे कोटा के पीपलदा के जोरावरपुरा गाँव में प्रशासन गाँव के संग अभियान के शिविर में विजिट करेंगे और ग्रामीणों की सुनवाई भी की जाएगी। दोपहर को 12:30 बजे बूंदी जिले के हिंडौली में ठीकरदा गांव पहुंच करके वहां के शिविर का जायजा लेंगे तो दोपहर 2 बजे टोंक के उनियारा में बॉस रिया गांव के शिविर में पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर को 3:30 बजे इस दौरे के बाद जयपुर पहुंचे का कार्यक्रम भी रखा गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल नहीं बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।